मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में पाठ 6, कैसे कैसे नाम, मतलब नाम किस किस तरह के होते हैं, यह हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सभी का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे लोग, चीज़, जगह आदि के नाम। हम उन्हें उनके नामों से ही बुलाते हैं। जैसे आप सबको पता है, आपका भी कोई ना कोई नाम होता है। जैसे समझिए, किसी बच्चे का नाम राहुल है ना। अब वो कहीं भी जाता है या घर पे भी, तो कोई उसको क्या बुलाएगा, राहुल आप इधर आओ, ऐसे ही बोलेंगे। कोई ये तो नहीं बोलेगा, ए लड़के इधर आ, है ना, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। उसे उसके नाम से बुलाया जाएगा, उसका नाम उसकी पहचान होगी। इस तरह हर एक का नाम होता है। जैसे हम इंसान, लोग मीन्स पर्सन्स, उनके नाम होते हैं। सब्जियों के नाम होते हैं, फलों के नाम होते हैं, पशु पक्षियों के नाम होते हैं, फूलों के, जग शहरों के, है ना, वस्तुओं के, पेड़ पौधों के, दिनों के, महीनों के, सब नाम होते हैं। तो उन्हीं नामों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आओ तरह तरह के नाम जाने। फलों के नाम आम, केला, संतरा आदि। पशु पक्षियों के नाम चीता, कुत्ता, मोर आदि। सब इसके अलग अलग नाम होते हैं। ऐसा तो नहीं आप चीता को कुत्ता कह दोगे, शेर को मोर कह दोगे। जिसका जो नाम है उसे वही कहोगे ना, तो वो नाम क्या होगा, उनकी पहचान भी होगी नाम से। पेड़ पौधों के नाम पीपल, नीम, बरगद आदि। दिन और महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार। जैसे आपको पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सोमवार से लेके रविवार तक। इसी तरह जनवरी आदि। महीने कितने होते हैं, 12, जनवरी से लेके दिसंबर तक। दिनों के नाम, वस्तुओं के नाम कपड़ा, पेंसिल, खिलौने आदि। ये सब नाम है वस्तुओं के। लोगों के नाम करण, रमा, विनीता आदि। शहरों के नाम दिल्ली, आगरा, पटना आदि। इस तरह लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, शहरों के अलग अलग नाम होते हैं, है ना। आओ पाठ दोहराएं। आपने जाना कि नाम तरह तरह के होते हैं। लोगों के नाम, जानवरों के नाम, फलों के नाम, देशों के नाम आदि। हर इसका अलग अलग नाम होते हैं, है ना। और नाम ही उस व्यक्ति की या जो भी चीज़ हो उसकी पहचान होती है। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे, या आपको सिर्फ बुक में ही करना है। चित्रों को देखकर उनके सही नाम पर सही का निशान लगाओ। ये देखो एक चित्र बना है, लिखा है हिरण या चीता। क्या है ये, हिरण। हिरण के आगे सही का निशान लगाओ। यह चित्र देखो, क्या लिखा है, कूलर या पंखा। क्या है ये, पंखा। पंखा पे सही का निशान लगाएंगे। ये चित्र देखो, ये किसका है, मोर या कौवा। क्या है ये, मोर। ये चित्र किसका है, घड़ी का, ताला की घड़ी, घड़ी। आप अपने बारे में कुछ बताइए। यह एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, आपको स्वयं से करना है। आपका नाम क्या है, आपका नाम जो है वो इसमें लिखना है। आप किस शहर में रहते हो, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपकी मैडम का नाम क्या है, आपको कौन सा खेल पसंद है। ये सब तो आपको पता है, इन सब प्रश्नों के उत्तर, है ना। तो ये प्रश्न उत्तर आपको मन से लिखना है, यह आपका होमवर्क है। अब अगला प्रश्न देखो, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए तथा शरीर के अंगों के नाम लिखिए। ये एक बच्ची बनी हुई है, देखो इसकी नाक की तरफ ये निशान बना हुआ है, ये क्या है, इसकी नाक। इसी तरह बाकी इसके शरीर के अंगों पे जहाँ जहाँ एरो लिखे हैं, और यहाँ पे जगह है, यहाँ पे आपको लिखना है ये शरीर का कौन सा अंग है, उसका क्या नाम है। ये भी आप सबको पता है, तो ये भी आपका होमवर्क है, या आपको स्वयं से करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।